रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर जो कि सोनीपत से ही आ रही है। युवक की हत्या के मामले में गिरफ्तारी, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जी हां, ये इस वक्त की बड़ी खबर। दिवाली के दिन चाकू से गोदकर दरअसल हत्या की गई थी। पटाखे चलाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद दिवाली के दिन इस वारदात को इन आरोपियों ने अंजाम दिया था। पटाखे चलाने को लेकर विवाद हुआ, विवाद बढ़ा और उन्होंने हमला कर दिया युवक पर, जिसमें युवक की मौत हो गई। तो बता दें आपको, युवक की हत्या मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। दिवाली के दिन चाकू से गोदकर हत्या की गई, यह इस वक्त की बड़ी खबर। पटाखे चलाने को लेकर विवाद हुआ था, विवाद काफी हद तक बढ़ता चला गया, जिसके बाद इन आरोपियों ने युवक पर हमला कर दिया, जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। और पुलिस ने अब तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई करते हुए इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मामला पटाखे चलाने को लेकर बढ़ा और देखते ही देखते विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मारपीट पर बात आ गई और युवक पर इन आरोपियों ने चाकुओं से हमला कर दिया, उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। और राम सिंघमार सोनीपत से हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राम, पूरा मामला आपसे जानना चाहेंगे, क्या हुआ था और पुलिस ने अब कार्रवाई जो यहां पर की है, गिरफ्तारी हुई है? देखिए, जिस प्रकार से दिवाली के पर्व पर जो है पटाखे जलाने को लेकर जो है यहां पर झगड़ा शुरू हुआ था, और इसी दौरान जो है पटाखा जलाने को लेकर कासोनी के मामले में जो है पूरी घटना को अंजाम दिया गया था, जहां पर एक युवक की जो है मौत हो गई थी। और अगर बात करें तो दिवाली के पर्व पर चाकू गोदकर हत्या की गई थी, जिसके 3 आरोपी जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। फिलहाल जो है थाना सिविल थाना पुलिस के अंतर्गत जो है जो पुलिस ने 3 आरोपियों को मोहित उर्फ लीमा, मनीष और जसवंत निवासी जो सैनीपुरा है उसको गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक अगर बात करें तो गिरफ्तार पटाखे जलाने को लेकर कासोनी के मामले में अंजाम दिया गया था, और जहां चाकू लाठी डंडा वो भी बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश करके रिमांड पर जो है वो लिया गया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राम सिंघमार इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई इस मामले में की है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार फिलहाल कर लिया गया है। पटाखे चलाने को लेकर ये विवाद जो था वो काफी ज्यादा बड़ा था। विवाद बढ़ने के बाद फिलहाल अब स्थिति ये है कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और युवक की हत्या इन्होंने बेरहमी से चाकू से गोद कर दी थी, जिसके बाद ये कार्रवाई यहां पर की गई है। तो दिवाली के दिन इस वारदात को अंजाम इन बदमाशों ने दिया था। पटाखे चलाने को लेकर विवाद हुआ, विवाद काफी बढ़ता चला गया, जिसके बाद इन्होंने हमला युवक पर कर दिया।